कविता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिना भिगोए हुए व्रत में खाए जाने वाली साबूदाने की बहुत ही स्वादिष्ट और चटपटी खिचड़ी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है आधा कप साबूदाना। ये बड़े दाने वाले हैं, आप चाहे तो कोई भी साबूदाना ले सकते हैं। अब इसे हम एक बाउल में डाल देंगे और इसे पानी से धोकर साफ कर लेंगे। अब इसे एक छन्नी की मदद से इसे हम छान लेंगे। तो इसे हमने छान लिया है, इसे थोड़ा इस तरह से फैला देंगे। तब तक के लिए इसे हम साइड में रख लेंगे। अब हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच घी, 2 चम्मच घी को अच्छी तरह से पिघलने देंगे। गैस यहाँ पर धीमी कर देंगे। तो अब घी पिघल चुका है, अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, इसे थोड़ा चटकने देंगे। अब इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच मूंगफली, इसे हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 10 से 12 काजू और मखाने, इसे 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पे भून लेंगे। अब इसमें डाल देंगे थोड़े से कड़ी पत्ते, इसे भी थोड़ा भून लेंगे। तो सभी चीजों को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें डाल देंगे 1 बड़ा कच्चा आलू, इसे हमने छीलकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसे हम धीमी आंच पे 5 मिनट के लिए भून लेंगे। इसे थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहेंगे। पांच मिनट भूनने के बाद इसमें डाल देंगे 1 छोटा बारीक कटा हुआ टमाटर और 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। टमाटर डालने के बाद इसे 3 से 4 मिनट के लिए और पकने देंगे। तीन से चार मिनट पकाने के बाद इसमें डाल देंगे साबूदाना और 3 कप पानी, ये 1/2 कप का माप है। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार सेंधा नमक और 1 चम्मच धनिया पत्ता, इसे हमने कूच कर लिया है। इस तरह कूच कर डालने से इसका टेस्ट और भी निखर कर आता है और खिचड़ी में एक अच्छा सा कलर आ जाता है। अब इसमें डाल देंगे 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब गैस यहाँ पर मीडियम कर लेंगे और इसमें उबाल आने देंगे। तो अब इसमें उबाल आ चुका है, तो अब इसे हम ढक देंगे और ढक कर इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए पकने देंगे। बीच में इसे हम 1 बार चला देंगे। अब 8 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नींबू का रस, इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम गैस बंद कर देंगे। तो अब व्रत वाली साबूदाने की स्वादिष्ट खिचड़ी बनकर तैयार है। तो आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।